हाय, मेरा नाम आदित्य है, आदित्य उप्रेति, और मैं लखनऊ का हूँ. मैंने बैरेट्रिक सर्जरी कराई थी लास्ट ईयर. सर्जरी कराने से पहले मेरा वेट अराउंड 100-122 किलो था, और काफ़ी टाइम से मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही थी इस वेट की वजह से. जैसे कि मेरे को डायबिटीज़ हो गया था, हाई ब्लड प्रेशर था, मेरा यूरिक एसिड काफ़ी हाई था, और उसके अलावा मेरा लिपिड प्रोफाइल था, एंड आई वॉज टेकिंग मेडिकेशन फॉर ऑल ऑफ दीज वेरियस एलिमेंट्स. मैंने थोड़ा सा वेट जब कम किया था खुद से, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो गई थी, एंड दिस इज़ वेयर आई रियलाइज दैट मेरे को कुछ ड्रास्टिकली करना पड़ेगा अपना वेट रिडक्शन करने के लिए. और तब मैंने बैरियाट्रिक सर्जरी कराने का सोचा. आई स्टार्टेड ऑफ विथ रिसर्चिंग ऑनलाइन अबाउट बैरियाट्रिक सर्जरी, और उसमें मेरे को बी एल कपूर के बारे में पता चला, जहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट किया इन लोग बी एल कपूर को. पहले तो ऑनलाइन करा, जिस केस में मेरे को रिस्पांस मिला डॉक्टर दीप गोयल से. पोस्ट दैट उसके बाद मैं मिला इनसे, उन्होंने मेरे को वेरियस प्रोसीजर्स समझाए कि कौन कौन से टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से बेस्ट प्रोसीजर क्या होगा, और इसके बेसिस में वी डिसाइडेड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोसीजर. इस प्रोसीजर को जब चूज़ करा, उसके बाद मैं सर्जरी के लिए गया. मेरे को काफ़ी इनहिबिशन थी सर्जरी कराने से पहले, क्योंकि मैंने काफ़ी उनसे सुना था दैट दे माइट बी साइड इफ़ेक्ट्स, दे माइट बी इशूज़ रिगार्डिंग द सर्जरी, बट आई वेंट अहेड विद इट, क्योंकि मैंने वेट लॉस का अपने बेनिफिट देखा था. मेरी इंसुलिन डोसेज ऑलमोस्ट 200-300 यूनिट्स अ डे थी, और 10 किलो वेट लॉस में ये ऑलमोस्ट 150 यूनिट्स पे आ गई थी. सो आई रियली वॉन्टेड टू गेट दिस डन. मैंने सर्जरी कराई मार्च में, और येस, स्टार्टिंग के 3 महीने देवर प्रिकॉशंस दैट हैड टू बी टेकन, बट इसके मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले हैं. इनिशियली मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा था ठीक से, क्योंकि हर 200 मीटर दौड़ने में या चलने में ही मेरी सांस फूल जाती थी, मैं सो नहीं पाता था ठीक से. लेकिन जब मैंने ये सर्जरी कराई, उसके बाद मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स चली गई. अभी मेरा जो मेरे को पहले डायबिटीज़ थी, जिसमें मैं इंसुलिन ले रहा था, राइट नाउ आई एम ऑन मेडिकेशन, एंड दैट टू ओनली वंस अ डे. मेरी मेडिकेशन फॉर माई लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर सब हट चुकी हैं इस वक्त. स्लीप एपनिया भी नहीं है, अब मैं आराम से 6-8 घंटे सो पाता हूँ, जो पहले मैं हार्डली 10 या 15 मिनट सो पाता था, जो नहीं कर पाता था पहले, वो अब मैं करता हूँ. फॉर एग्जांपल, सुबह उठने में मेरे को बहुत आलस आता था बिकॉज ऑफ माय वेट, बट नाउ बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड नाइट स्लीप, आई कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं सुबह लगभग 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज कर सकता हूँ, और करता हूँ, 6 टाइम्स अ वीक वो एक्सरसाइज करता हूँ. शाम को मैं फुटबॉल या स्क्वाश या कोई स्पोर्ट्स खेलता हूँ फॉर अबाउट एन आवर. एज आई सेड बिफोर, मेरी मेडिकेशंस भी हट गई हैं. इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल, मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई है फ्रॉम प्रीवियसली. पहले हर 1-2 घंटे में अगर मैं आइडली बैठा हूँ, तो मेरे को नींद सी आने लगती थी या आलस आता था, जो अब नहीं है. अब मैं सुबह जब उठता हूँ, उसके बाद सीधे शाम को मेरे को नींद आती है, रात को नींद आती है बेसिकली, और दिस हैज़ रियली हेल्प मी अलॉट. द काइंड ऑफ एनर्जी लेवल दैट आई कैरी थ्रू आउट द डे हेल्प्स मी गोइंग थ्रू ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, जबकि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ इसके अलावा भी. साइड इफ़ेक्ट्स मेरे को कुछ मिला नहीं है. स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी प्रिकॉशंस लिए थे इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू ईट, बट अब मैं सब कुछ खा सकता हूँ अब, और खाने में भी अब मैं हेल्दियर वे ऑफ खाता हूँ. लाइक इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 बिग मील्स, अब मैं 7 मील खाता हूँ. हर 2-2 घंटे में मैं कुछ खाता हूँ, और क्वांटिटी कम हो गई है, लेकिन फिर यह है कि सफिशिएंट इनफ खाना खा रहा हूँ. इनिशियली विटामिंस भी ले रहा था, अभी विटामिंस की भी उतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब मेरी डाइट जैसी नॉर्मलाइज हुई है, उसके बाद से मेरी विटामिंस की भी कमी पूरी हो गई है. इन टर्म्स ऑफ फ़ायदे काफ़ी हैं, एंड लाइक विथ एनी सर्जरी देर आर ऑलवेज सम रिस्क, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट्स दैट यू आर गेटिंग, ये सर्जरी काफ़ी बेटर है उस हिसाब से. मेरी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है. अब मैं 5 किलोमीटर रोज़ जॉग कर सकता हूँ, जो मैं हार्डली 200 मीटर भी नहीं कर पाता था पहले. मैं फ़ुटबॉल के गेम हार्डली आधा घंटा खेलता था, वो भी नॉन कंटिन्यूस. अब मैं पूरा 90 मिनट्स खेल सकता हूँ विद जस्ट वन ब्रेक. देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, देर इज़ लॉट ऑफ enthusiasm in me throughout the day because of the excess weight loss that I did. I started off with 122 kilos aur aaj mera weight around 65 kgs hai, aur iske mere ko bahut sare benefits bhi mil rahe hain. Jaisa ki maine bataya, mera sugar control hai. Main abhi tak HbA1c jo mera 7 ya 8 ya 12 bhi jata tha pehle, abhi 5.2 se 6 ke beech mein rehta hai, which has helped me a lot. Mera blood pressure jo morning ke time mein around 160-120 hota tha,
आज नॉर्मल रहता है. मेरा यूरिक एसिड जो हमेशा हाई आता था, जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ खा नहीं पाता था या पी नहीं पाता था या कर नहीं पाता था क्योंकि जॉइंट्स में पेन होते थे, वो मेरे चले गए हैं. लिपिड प्रोफाइल के मैं ऑलमोस्ट 4 गोलियाँ लेता था दिन की, जिसमें लिपिड की होती थी और कोलेस्ट्रॉल की होती थी, वो मेरी सारी बंद हो चुकी हैं. मेडिकेशन में मैं खाली एक गोली लेता हूँ सुबह के टाइम में, 2 गोलियाँ लेता हूँ, एक सुबह एक शाम, और उसके अलावा मेरे को कोई और मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ दिस आई एम लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ नाउ, वेरी एक्टिव लाइफ नाउ. देर इज़ लॉट ऑफ एनर्जी इन इट एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर BLK एंड डॉक्टर गोयल फॉर हेल्पिंग मी आउट एंड फाइनलाइजिंग दिस सर्जरी एंड गेटिंग इट डन. BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अ पैशन फॉर हीलिंग.